एसएससी जीडी का 28 फरवरी के पहले या दूसरे शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत। अगला है, घूमर नृत्य किस राज्य का है? घूमर नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य का। अगला है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैंगलोर बंदरगाह। नेक्स्ट है, आगामी का विलोम शब्द बताओ। आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है बताओ? तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये है झेलम नदी पर। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, भारत की खोज कब हुई या किसने की थी? तो 1498 में हुई थी, वास्को डी गामा ने की थी। अगला है, राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते? तो वो जीते हैं महाराष्ट्र ने। कुल टोटल पदक है 228, जिसमें 80 स्वर्ण पदक हैं, 69 रजत पदक हैं और 79 कांस्य पदक हैं। अगला है, छठी आर्थिक जनगणना कौन से वर्ष हुई? तो ये हुई थी 2013 में। नेक्स्ट है, याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग उत्सव जो है भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। आज़ादी के समय जो साक्षरता दर थी वो क्या थी? 18% और वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। घर की खेती का अर्थ क्या होता है? तो घर की खेती का अर्थ होता है सहज में मिलने वाला पदार्थ होता है घर की खेती। नेक्स्ट है, 14वीं जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? 14वीं जनगणना हुई थी 2001 में। अगला है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कब आई? तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना आई थी 14 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है, कृष्ण का पर्यायवाची बताओ। कृष्ण का पर्यायवाची होता है कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारिकाधीश और लास्ट में होता है वासुदेव। अगला है, सम्राट अशोक जो हैं वो कौन से धर्म से थे? सम्राट अशोक जो थे वो थे बौद्ध धर्म से। अगला है, शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं संतूर से। नेक्स्ट है, आँखों देखा मुहावरे का अर्थ बताओ। आँखों देखा मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखी गई कोई वस्तु क्या होती है आँखों देखा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है राजपथ पर। कहाँ होता है? राजपथ। नेक्स्ट है, वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख का नाम बताओ। तो उप प्रमुख हो जाएंगे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला है, जो खाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। तो वो हो जाएगा अखाद्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं?
तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग होते हैं, कौन कौन से? कार्यपालिका, क्या होती है? कार्यपालिका। दूसरी क्या होती है? न्यायपालिका। और तीसरी लास्ट वाली जो है वो क्या हो जाएगी? विधायिका। क्या होती है? विधायिका। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो क्या है? तो वो हो जाएगा 919। अगला है, आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो रामास्वामी नायकर द्वारा कब की गई थी? वर्ष 1925 में की गई थी। अगला है, क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर। अगला है, अनुच्छेद 163 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। अगला है, अनुच्छेद 163 का संबंध बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको करवाया था। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोधगया बिहार में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। आप कह सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला है, रेमन मैक्सेसे और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला संगीतकार का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगी MS सुब्बू लक्ष्मी। घृणा का पर्यायवाची क्या होता है? घृणा का पर्यायवाची नफरत होता है और कुत्सा भी होता है। अगला है, मैतेई समुदाय का नृत्य जो है वो कौन सा है? तो थौगल जागोई। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर का नाम बताओ। तो नर्तकी नटराज। अगला है, एपीड़ा का संबंध किससे है? तो एपीड़ा का संबंध जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से है। अगला है, जीवा का तद्भव रूप बताओ। जीवा का तद्भव रूप होता है जीव। श्यामल का तद्भव शब्द बताओ। श्यामल का तद्भव शब्द होता है, रूप होता है सांबला। अगला है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो तीसरे नियम से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला है, भारत में रोलेट एक्ट जो है वो क्यों आया था? तो देखिए, देश भर में उग्रवादी घटनाएं घट रही थी, तो इस असंतोष को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार रोलेट एक्ट लेकर आई। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो 1980 से लेके 1985 तक। अगला है, संविधान जो है ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला है, राज्य विधान मंडल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। अगला है, बेस्ट चेस्टर खेल का संबंध कौन से खेल से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फुटबॉल। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है ये। तो इसके बारे में जान लेते हैं, 2019 के बाद साल 2023 में इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया। बता दें कि इस ट्रॉफी को शुरू हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल 6 टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में मुकाबले राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सल्लूरपेटा में। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।